नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खेतीबाड़ी और मंडी भाव में। आज हम एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में आए हैं, जिसमें बात करेंगे एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो कि इंसेक्टिसाइड एंड एक्रीसाइड है, यानी कि जो मच्छरों को भी मारता है और मकड़ियों को भी मारता है। सारी जानकारी हम बताएंगे कि इसका उपयोग हमें किस फसल में करना है और कितनी मात्रा में करना है, और इसके अंदर ऐसा कौन सा फॉर्मुलेशन है जो कि इतना बेहतरीन वर्क करता है, और इसकी कीमत, सारी जानकारी आपको बताई जाएगी। आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी धमाकेदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह प्रोडक्ट है, देखिए, क्रिस्टल कंपनी का। किस कंपनी का है? क्रिस्टल कंपनी का है, जो कि अबासिन नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अबासिन। अब बात करते हैं कि यह किन किन चीजों को कंट्रोल करता है। देखिए, यह मच्छरों को कंट्रोल करता है, और मुख्यतः इसका उपयोग मकड़ी नाशक में किया जाता है। क्या है? एक्रीसाइड है, जो सभी प्रकार की मकड़ियों को मारता है। जी हाँ, यह सबसे मुख्य रूप से मकड़ियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं कि इंसेक्ट में क्या कंट्रोल करता है। देखिए, यह कुछ हद तक, बहुत से किसान भाइयों ने इसका ट्रायल भी किया है, इसके रिजल्ट भी देखे हैं। तो किसान भाइयों ने इसके रिजल्ट देखे हैं। कुछ जो छोटी छोटी व्हाइट फ्लाई होती है उसको कंट्रोल करता है, यानी कि बड़ी व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल नहीं करता है, और जो थ्रिप्स आती है थ्रिप्स को अच्छा कंट्रोल करता है। क्या है? थ्रिप्स को अच्छा कंट्रोल करता है, यानी कि मकड़ी के साथ साथ छोटी मोटी जो व्हाइट फ्लाई आती है उसको और थ्रिप्स को यह अच्छा कंट्रोल करता है। यानी कि कुल मिलाकर इस यह मकड़ियों पर बहुत ही बेहतरीन है, यानी कि लाल मकड़ी हो, गुलाबी मकड़ी हो, किसी भी प्रकार की मकड़ी हो, इस पर बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है इसका। अब बात करते हैं कि इसका टेक्निकल क्या है। देखिए आप, ये कंपनी ने यहाँ पे भी लिख रखा है इंसेक्टिसाइड एंड एक्रीसाइड, दो धारी तलवार। ये देखिए आप, दो तलवारों का सुरक्षा कवच। क्या लिख रखा है? दो तलवारों का सुरक्षा कवच। अब बात करते हैं कि इसका टेक्निकल क्या है। ये देखिए आप, टेक्निकल की बात करते हैं। एबामेक्टिन एक 1.9% ईसी, जो कि एक लिक्विड फॉर्म में आता है। क्या है इसका फॉर्मुलेशन? एबामेक्टिन 1.9% ईसी फॉर्म है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मुलेशन से बना टेक्निकल है, और जो कि इंसेक्टिसाइड एंड एक्रीसाइड है। अब बात करते हैं कि यह प्रोडक्ट किस किस पैकिंग में अवेलेबल है। देखिए, यह पैकिंग है 100 ml की पैकिंग है। कितने? ये देखिए आप, यह नेट कंटेंट 100 ml है। और अब बात करते हैं कि इसका उपयोग हमें किस किस फसल के अंदर करना चाहिए। देखिए, इसका उपयोग हमें कपास के अंदर, सोयाबीन के अंदर, बैंगन के अंदर, मूंगफली के अंदर कर सकते हैं, पपीता के अंदर कर सकते हैं, गुलाब के अंदर कर सकते हैं, मिर्च के अंदर कर सकते हैं, टमाटर के अंदर कर सकते हैं, लौकी के अंदर कर सकते हैं, गिलकी के अंदर कर सकते हैं, चाय के अंदर कर सकते हैं, और इसका इस्तेमाल मैंने खुद अमरूद में भी किया है। और देखिए, इसका मुख्य इस्तेमाल, देखिए, चाय के अंदर, बहुत से इलाकों में जहाँ चाय लगाई, चाय की खेती की जाती है, तो वहां पर क्या है कि लाल माइट आती है, और गुलाबी माइट आती है, और एक चमकीली माइट आती है। इन तीनों ही प्रकार की मकड़ी का अटैक रहता है। तो यह ऐसा प्रोडक्ट है जो कि तीनों पर ही कंट्रोल कर लेगा, यानी कि यह सभी मकड़ियों पर कंट्रोल तो करता ही है। और देखिए, जहां पर सेब है, सेब में क्या है कि लाल माइट और दो धब्बे वाली माइट आती है, आपने देखा होगा, तो ये उस पर बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है इसका। और रिजल्ट की बात करते हैं तो इसका रिजल्ट 25 से 30 दिन तक देखने को मिला है। कितने? 25 से 30 दिनों तक इसका रिजल्ट देखने को मिला है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है, जो कि अन्य कंपनी इतना दिनों का रिजल्ट नहीं दे पाती है। ओके, अब बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल कितनी मात्रा में करना चाहिए। देखिए, इसका इस्तेमाल हमने, देखिए, जो वेजिटेबल्स क्रॉप है, कपास है, जैसे कोई अपने मिर्च है, टमाटर है, लौकी में, एज पर द कंडीशन, जैसे कि जो क्रॉप की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हमने इस्तेमाल किया है। और हमने इस्तेमाल 15 से 20 ml प्रति 15 लीटर पंप के साथ में किया है। कितना? 15 से 20 ml प्रति 15 लीटर पंप के हिसाब से हमने इसका स्प्रे किया है। और जिन किसान भाइयों ने इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है वह हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसके क्या क्या रिजल्ट दिखे हैं, और किस माइट को कंट्रोल किया है, और किस इंसेक्ट को कंट्रोल किया है, वह भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, और अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद, धन्यवाद।